सो लास्ट लेक्चर जो अपन ने लिया, अपन ने रूमेटिज्म का वो 8th लेक्चर, और लिथियम का जो भी पुरानी हो, बट वो कंटिन्यू रखेंगे अपन। बट कई लोग मेरे लेक्चर्स को देखने वाले भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, किस चीज को लेके, कि ये आदमी किसी भी चीज को चालू करता है बीच में छोड़ देता है। तो ऐसा है नहीं एक्चुअली। पहली चीज, इतना अथाह सागर है, इतना बड़ा वास्ट ओशन है कि चीजें चलती रहती हैं, खत्म होती नहीं है, होंगी ही नहीं। खुदा का, ईश्वर का एक ही नॉलेज इतना ज्यादा होता है कि एक फील्ड में भी आप कोई नहीं कह सकता। अब कुकिंग के फील्ड में चले जा, आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, वो चीज खत्म नहीं होने वाली, वो नॉलेज खत्म नहीं होने वाला। और कितने तरीके के नॉलेज हैं, इसी से आपको खुदा की, गॉड की जो वास्टनेस है, मतलब यू कैन नॉट, टेक्स्ट क्या कहते हैं, आप कल्पना में भी ईश्वर को नहीं समा सकते। नो इमेजिनेशन कैन बाइंड हिम। तो एक तो ये, और दूसरा क्या रहता है, इतने जबरदस्त जबरदस्त चीजें चल रही होती हैं, केसेस आते हैं, केसेस सॉल्व होते हैं मेंटल्स के थ्रू, किसके भी थ्रू, तो उनको भी आप लोगों से शेयर करने का जो एक टेम्पटेशन रहता है, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी भाई। दिस इज मी एंड दीज आर माई क्लासेस एंड दीज आर लाइक दैट। ओके, सो सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखें जो इन क्लासेस का उद्देश्य है, कि एकदम प्रैक्टिकल, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई में लें, प्रैक्टिकली अप्रोच करें। तो आज मेरा मूड हुआ कि लिथियम कार्ब को कंटिन्यू ना करते हुए नेक्स्ट बार कर लेंगे, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। कुछ बड़ा दिलचस्प होम्योपैथी का केस जो सॉल्व हुआ, एक 60 years, मैंने हमेशा से कहा है द बेस्ट वे, वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न होम्योपैथी फॉर ए होम्योपैथ इज टू स्टडी द केसेस ऑफ द स्टालवर्ट्स, द केसेस ऑफ द फेमस डॉक्टर्स, द केसेस ऑफ अवर ग्रेट डॉक्टर्स and the cases of your own self and the cases of your students as well। अपने students के cases जो वो सुनाते हैं, उनसे कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं हमको खुद को। बस शर्त ये है कि हर चीज में आपको वैसा ही उत्साह होना चाहिए, वैसा ही excitement होना चाहिए जैसे एक छोटे बच्चे को होता है नया। ठीक, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि पेशेंट आया, ये पेशेंट आया थे 2 साल पहले, 2 years back, 60 years मेल। जब वो आए तो वो 60 साल के नहीं दिख रहे थे, वो 45-50 के आसपास, 45 के आसपास दिख रहे थे। वेल मेंटेन्ड, वेल ड्रेस्ड पर्सन, हेयर्स आर, हेयर्स वेर कॉम्ब्ड प्रॉपरली, प्रॉपरली ड्रेस्ड, वेल आयरन्ड, अच्छी तरीके से प्रेस किया हुआ,
जूते पॉलिश बिल्कुल आके बैठ गए। आए किस लिए थे? तीन चार साल से उनको सब है, लग्जरी उनके पास सब है, अच्छे ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ भी एक ऑफिसर है, कोई कमी नहीं है समृद्धि की। कोई कमी नहीं है प्रॉस्पेरिटी की, लेकिन अगर कोई सिर्फ पैसों से प्रॉस्पेरिटी को तोलता है तो यह बहुत बड़ा वहम है उसका। प्रॉस्पेरिटी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई मटेरियल उसके ऊपर हावी नहीं होता, वो मटेरियल्स के ऊपर हावी है। असली प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, टोटल कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? अच्छा धन होना, अच्छा पैसा होना तो उसका एक पार्ट है। एक टोटल प्रॉस्पेरिटी के अंदर क्या आता है, अच्छी फैमिली होना, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ होना, मन में चैन और मन में सुकून होना, खुदा के लिए ईश्वर के लिए ग्रेटफुलनेस होना, दिल में तकिए में सर रखते ही चैन की नींद सो जाना, अच्छी भूख लगना, अच्छी अच्छी पसंद की चीजें खाने का दिल होना और वो खाना, घूमना फिरना परिवार के साथ दोस्तों के साथ एंजॉय करना, दैट इज कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी, दैट इज टोटल प्रॉस्पेरिटी। ये आदमी आया किस लिए कि इसको तीन चार साल से नींद नहीं आ रही, क्या कहता है डॉक्टर साहब, जागे जैसी नींद आती, आंख बंद रहती, आंखों के सामने फिल्म सी चलती रहती, ऐसा लगता सोया ही नहीं हूं, नींद आ ही नहीं रही, जैसी गहरी नींद आती है, आदमी फ्रेश होके उठता है, सुकून मिल जाता है उसको, ऐसा हो ही नहीं रहा है तीन चार साल से। बड़े स्पेशलिस्ट एलोपैथ्स के पास गया, वही एंजियोलाइटिक, स्लीपिंग पेल्स, इस तरह की चीजें चल रही। जितने दिन वो खाता ठीक, उसके बाद छोड़ने की उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स आते। पढ़ा लिखा समझदार इंसान दिख रहा, उसको गूगल में खोल के देख लेता है, इसके तो साइड इफेक्ट भी पड़ रहे हैं, और ज्यादा दिन इसको खाएंगे तो ये तो कोई सहल है नहीं। पढ़ा लिखा समझदार दिमागदार आदमी, और पढ़े लिखे समझदार दिमागदार लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं होम्योपैथी की तरफ, एक इलिटरेट नासमझ की तरह नहीं, जिसको जब तक बड़ी बड़ी बोतलें, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी सुइयां, बड़े बड़े औजार नजर नहीं आए तब तक जब लगता ही नहीं है कि ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ कई ऐसे गाँव वाले हैं उनको तो लगता है बोतल लग गई, बोतल तो लगाई नहीं डॉक्टर साहब, लिटा दिया दो तीन घंटे के लिए, एक दो बोतल चढ़ा दी उनको, अरे बेहतरीन ट्रीटमेंट, शानदार, एक दो इंजेक्शन टोंच दिए, एक आध मशीन से जांच कर ली, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला हर किसी के लिए उसके हिसाब की चीजें रखता है। बेस्ट लोग बेस्ट ही डिजर्व करते हैं। सो आया वो भैया यहां पे, मैंने बोला तीन चार साल से आपको ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, उसके पहले आप ठीक थे? बिल्कुल ठीक था, बेहतरीन नींद आती थी, और डॉक्टर साहब
मेरी दिनचर्या, मैं बिल्कुल हिसाब से चीजें खाता हूं, सालों से मेरी दिनचर्या एकदम वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन, सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना, टाइम पे एक्सरसाइज, टाइम पे वॉकिंग, टाइम पे योगा, हर चीज टाइम से, परफेक्शन से, साफ सफाई से, दिख ही रहा था वो अंदर घुसा, दिख ही गया। जब इस तरह के लोग अंदर घुसते हैं तो बहुत संभव है कि सिर्फ देखते ही जो रूब्रिक्स हमारे दिमाग में आते हैं वो एक आते हैं, एक आता है टाइडी, वेल। देखें आप माइंड चैप्टर में टाइडी, ठीक। बट अगर कोई ऐसा दिखे तो मेरा सजेशन है आपको, वही नीचे सब उसका दिया है क्रॉस रेफरेंस के लिए, फैस्टिडियस, फैस्टिडियस को लेना, टाइडी में मत जाना। क्यों? क्योंकि फैस्टिडियस में बहुत सारी रेमेडीज हैं, चूकने के आसार कम रहते हैं। तो वो टाइडी, फैस्टिडियस या डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होगा, ये उसके लुक से ये समझ में आ जाता है। ये तो दिखेगी, उसकी कहानी सुनने से पता चल गया कि वो फैस्टिडियस है। क्या मतलब होता है फैस्टिडियस का? कई बार अपन इसके बारे में यहां पे बात कर चुके हैं। हर चीज को बहुत परफेक्ट तरीके से करता है, साफ सफाई, काम का उसमें जो भी वर्क होता है उसके बिल्कुल प्रॉपर। एक कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को लेके आदमी ऐसा है, अलग अलग चीजों को भी लेके रह सकते हैं। जैसे आप फैसिडियस के अंदर एक जगह सब रूब्रिक दिखेंगे तो आप उसको देखेंगे, एक बूफो का एक बूफो एक ही सिंगल रेमेडी है, उसको क्या है, बाकी किसी चीज में वो फैसिडियस नहीं हो, लेकिन रोटी जो बन के उसको मिल रही है उसमें एक दाग भी नजर नहीं आना चाहिए उसको। नहीं, ये ठीक है, हार्ड टू प्लीज उसका वो है, अपन इसको समझे कैसे फैस्टिडियस को? किसी भी एक भी चीज को लेके, किसी को लेके, अगर कोई अपने दिनचर्या को लेके, टाइम पे खाना, टाइम पे पहुंचना, ये बिल्कुल एकदम, वो किसी भी चीज में हो सकता है, हो सकता है बाकी चीज में ना हो। कई साफ सफाई को लेके बड़े पर्टिकुलर होते हैं, वो भी फैस्टिडियस की कैटेगरी में आते हैं। कई लोग सिर्फ अपने काम को लेके रहते हैं, घर में ऐसे रहेंगे, लेकिन ऑफिस में जाएंगे तो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, सब चीजें परफेक्शन से एकदम टाइम टू टाइम, बिल्कुल उसके अलावा बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर में ठीक है। पर वो किसी भी लाइफ के किसी भी क्षेत्र में वो ट्रेट मिले कि किसी भी चीज को परफेक्शन, सिस्टमेटिक, एकदम सलीके से, डिसिप्लिन्ड वे में करने का अगर उसके अंदर ट्रेट है तो वो फैस्टिडियस के अंदर आ जाते हैं सबके सब। ठीक, और फैस्टिडियस के अंदर हमारे पास यहां पे कम से कम 76 रेमेडीज है। बट हमेशा ध्यान रखना, फैस्टिडियस की सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो है, अगर आप बोगर बोनी नसन की रिपर्टरी में देखेंगे फैस्टिडियस, अब ये स्ट्राइकिंग है, उन्हें तो देखिए स्ट्राइकिंग ही दिख गया था कि फास्टिडियस है, उसने बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बाद में उसने अपनी दिनचर्या और सब चीजों के बारे में बताया, अपने डेली रूटीन के बारे में, तो हमको ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति फास्टिडियस है। और द ग्रेट डॉक्टर जे एन कांजीलाल सर ने कहा है कि मेंटल सिंड्रोम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो पूछ के निकाले नहीं जाते हैं, जो ऑब्जर्व किए जाते हैं। पेशेंट को पता भी नहीं है उसकी बातों से, उसकी हरकतों से, आपने ऑब्जर्व कर लिया अगर आपके माइंड की ट्रेनिंग है जिस हिसाब की, तो ट्रेनिंग जितनी कमजोर होती चीजें सामने से निकल जाती है। बाद की प्रैक्टिस में जब आप और डेवलप होते हो तो आप रियलाइज करते हो कई बार कि हम पहले ये चीज चुके थे, और ऐसा होता है, डेवलपमेंट का रास्ता ऐसे ही है। तो ये तो उसका डिस्पोजिशन फैस्टिडियस पता चल गया। तो मैंने बोला उससे, भैया
खैर पहले इसको कंप्लीट कर ले। अगर आप बोगर बोरिनसन रिपर्टरी में देखते हैं तो सिर्फ दो ही रेमेडी आपको मिलती है, आर्सेनिक एंड लक्सोमिका। ठीक, मैंने बोला भैया हुआ क्या यार, तीन चार साल पहले हुआ क्या? अब देखो वो भी ए क्लास ऑफिसर है, वो भी उसकी वाइफ भी ए क्लास ऑफिसर है, तो ऐसे ऑफिसर्स पार्टी में जब वो जाते थे तो नेचुरल सी वाइफ है उसकी, नेचुरल सी बात है कि उसकी वाइफ जो है वो भी एक ऑफिसर है, लोग बाग आके मिलते हैं, सारी चीजें खड़े होके बातचीत करते हैं। कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो खड़े होके चाप वो फ्लैटरिंग करने वाले लोग भी ऐसे लोगों के आसपास आके घूमते हैं और खड़े होके अरे मैडम आप तो आज बहुत अच्छी लग रही हो और ऐसा है और वैसा करते हैं, लोग बाग तारीफ करते हैं। देखा होगा अपने यहां भी एक है, वो भी घिरी रहती है, है ना। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अब ऐसा होता था और ये आदमी उसका हस्बैंड उसको बहुत जलन होती थी कि उसकी बीवी किसी से हंस हंस के बात कर रही है, लेकिन चूंकि वो खुद पढ़ा लिखा समझदार, वो अपने आप को समझाता था नहीं यार ऐसा नहीं है, वो कुछ बोल नहीं रहा, अंदर ही अंदर घुट रहा है। एक आध बार तो शायद बहसबाजी भी हो गई थी, ऐसा तो फिर हुआ था नहीं, ऐसा नहीं है, गलत फहमी है, लेकिन इससे बर्दाश्त ना हो। वो जो जेलेसी थी वो उसके सारे इंटेलिजेंस को क्रॉस करके उसके ऊपर हावी हो जाती, और ऐसा किसके साथ होता है? मनोवृत्तियां जैसे कि लस्ट, वासना, एंगर, गुस्सा, क्रोध, लालच, ग्रीड, जेलेसी, ईगो, अफेक्शन, मोह, ये सब किसके ऊपर हावी होते हैं? ये बताता है कि इसकी दुनियावी ट्रेनिंग तो भले ही कितनी जबरदस्त हो, ऑफिसर हो बड़ा, बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो है वो बहुत वीक है। दैट इज वाई इंटेलिजेंस पे, विवेक पे वृत्तियां हावी हो जाती हैं और इंसान बीमारी की तरफ निकल पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों के पीछे दौड़ता है। दो ही तरीके हैं आदमी के पास जीने के, या तो अपनी ख्वाहिशों के पीछे दौड़े, या तो हर वक्त ये ध्यान रखे कि खुदा ने किस चीज के लिए मना किया है और किस चीज के लिए परमिशन दी है और उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करे। यही तरीका है और कोई नहीं। ठीक, तो वो चीज इतनी अफेक्ट करी इसको कि उसके बाद से इसकी नींद उड़ गई। अब ये सारी प्रॉस्पेरिटी, सारा पैसा उसे किसी काम का नहीं, क्यों? क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही, उसको चैन नहीं है, उसको सुकून नहीं है। स्पिरिचुअली वीक रहा होगा आदमी, आध्यात्मिक रूप से कमजोर रहा होगा आदमी, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई होगी। नहीं तो अगर गीता ही कभी सीरियसली पढ़ लिया होता तो गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है समझ लो मुझसे करता है। यहां तक क्लियर हुआ है? क्योंकि ये ट्रेनिंग ही नहीं हुई होगी ना, इसलिए तो पाठ करने को कहा जाता है। याद मत करो, पाठ करो रोज, रिपीटेड एक्सपोजर, रिपीटेड एक्सपोजर, रिपीटेड एक्सपोजर, जिससे कि वो चीज बैठ जाए। यही होता है ना, हमेशा कोर्स की बुक ही उठाया होगा, हमेशा सेंसेस को ग्रेटिफाइंग करने वाली एजुकेशन और किताबों में ही मुब्तिला रहा होगा, इन्वॉल्व रहा होगा, कभी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, हुई होती तो उसको इस तरह की चीजें पता होती है? जैसे कि
कैसे ट्रेनिंग होती है हमारे माइंड की, इस तरह की चीजों को, विजडम को हम सुने, हम पढ़े, ऐसे सत्संग में बैठे, ऐसी ट्रेनिंग हो हमारे माइंड की। आपने नाम सुना होगा हजरत अली का, नाम सुना है, बहुत फेमस है, ठीक है ना। उनकी सारी टीचिंग्स जो हैं, जबरदस्त विजडम एक बुक में, उसमें वो एनवी के बारे में, जेलिसी के बारे में बात करते हुए ये कहते हैं, सुनना, ये नियम बता रहे हैं, ये क्या कहते हैं, एनवी कॉजेज हेट्रेड, ईर्ष्या नफरत पैदा करती है। जिससे आप ईर्ष्या करते हो, जिससे आप जेलसी करते हो, उससे आप क्या कैसा फील करोगे, उसके प्रति नफरत फील करोगे ना भाई। जब अपन ने सेवन डेडली सिंस इन बाइबल के बारे में जब बात करी थी तुम काफी पहले, तो सेवन डेडली सिंस में से एक एनवी है, छठवां सिन, जेलसी। और जेलसी का डेफिनेशन क्या देते हैं वो बाइबल में, बोलते हैं जेलसी इंटेंस डिजायर होती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है उस चीज को पाने की जो किसी और की है, जो किसी और के पास है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट ये है कि जो किसी के पास है, नहीं जो मेरे पास है वो किसी के पास और ना हो, ये भी जेलसी। अगर वो भी सेम वाला चीज ले आया तो उसके प्रति हेट्रेड, और जब हेट्रेड इंटेलिजेंस के ऊपर सवार होता है तो आदमी मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है। इस तरह की कोई भी चीज, जबरन टांग खींचना, अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट, उसी आदमी पे वेस्ट करना, उसको बदनाम करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, फिर आदमी ऐसे विशेष सर्कल्स में उलझ जाता है। ठीक, तो क्या कहते हैं हजरत अली, हजरत अली फरमाते हैं कि एनवी जेलेसी कॉजेज हेट्रेड, जेलेसी नफरत पैदा करती है, हेट्रेड कॉजेज डिसेंशन। अब जिसके प्रति आप नफरत रखोगे तो उससे तुम्हारी क्या होगी, कलह। तो हेट्रेड है वो कलह पैदा करती है, डिसेंशन, झगड़ा, आपसी झगड़ा। और ये जो झगड़ा है, डिसेंशन कॉज डिसयूनिटी, जिससे जब जब आपका झगड़ा होता है तो यूनिटी ब्रेक होती है ना, और जब डिसयूनिटी होती है तो कहते हैं causes weakness। जिस तरीके से यूनिटी ताकत है, उसी तरीके से डिसयूनिटी वीकनेस है, वो वीकनेस लेके आती है। एंड वीकनेस causes ह्यूमिलिएशन, और कमजोरी अपमान, इंसल्ट लेके आती है। कमजोर को हर कोई दबाता है, कमजोर का हर कोई अपमान करता है। आप डॉक्टर हो, आप किसी थाने में रिपोर्ट लिखाने चले जाओ, आप अच्छे से कपड़े वगैरह पहने हुए हो, आप एक ताकतवर इंसान हो सोशली, तो आपको देखना पुलिस वाला कैसे बिठाता है, आइए सर बैठिए, तब तरीके से बात करेगा। वहीं बेचारा कोई झुग्गी झोपड़ी वाला ऐसे पड़े आ गया, अगर तेरी माँ की, तेरी बहन, उधर बैठ, अपमान, क्यों, कमजोर है वो। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे वीकनेस नहीं होनी, वीकनेस से बड़ी कोई वो नहीं है, वीकनेस से बड़ा कोई पाप नहीं है, आपको शक्तिशाली होना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए अपने आप को मेंटली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से ताकतवर बनाने का, क्योंकि शक्ति और ताकत से ही सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है, होता है ना। वीकनेस कॉसेस ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन कॉजेस डिक्लाइन ऑफ अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें डाउन चली जाती हैं, एंड द एंड ऑफ प्रोस्पेरिटी, और आपकी प्रोस्पेरिटी खत्म हो जाती है।
कहां से चले, एनवी आपको, जेलेसी आपको कहां से लेके चली और कहां पे पहुंची? अब ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए ना माइंड की, अगर अब ऐसी ट्रेनिंग होती माइंड की तो एक इंटेलिजेंस, एक इंटेलेक्ट, एक विजडम डेवलप होता, और जब ऐसी कोई चीज सामने आती तो वो उस चीज से अफेक्टेड नहीं होता। एक जगह और ये जेलसी के बारे में बताते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी बात है इसलिए मैं उसे शेयर कर लूं, बोलते हैं जेलसी मीन्स इनएविटेबल सॉरो, अनिवार्य रूप से जो हट नहीं सकता, जो होगी रहेगा, ऐसा दुख होती है जेलसी। एक ऐसा दुख अ कंफ्यूज्ड इंटेलेक्ट, जिसके अंदर जेलसी होती है उसका इंटेलेक्ट भ्रमित कंफ्यूज्ड रहता है, आए बाए काम करेगा, कुछ तो भी करेगा, सोच समझ के काम नहीं करेगा, हंसी उड़वाने वाले काम कर लेगा, बदनामी पाल लेने वाले काम कर लेगा, लोगों से दुश्मनी मोल लेने वाले काम कर लेगा, कंफ्यूज इंटेलेक्ट एंड कॉन्स्टेंट सेल्फिशनेस, ये चीजें पैदा कर। सेल्फिश आदमी को कोई नहीं पूछता इस दुनिया में ईश्वर ने क्या नियम बनाया है प्रॉस्पेरिटी का, दोगे तो पाओगे, दान प्रॉस्पेरिटी लाता है, किसी भी चीज का दान करो, ज्ञान का दान करो, पैसों का दान करो, अपने समय का दान करो, अपने इमोशंस का दान करो, और सबसे बड़ा दान जीने के तरीके का दान करो, जिसको कहते हैं धर्म का दान। धर्म रिलीजन इज अ वे ऑफ लिविंग। बुद्ध क्या कहते हैं, सब दानम धम्म दानम जिनाती, क्या कहते हैं, सभी दानों में धर्म का दान सर्वश्रेष्ठ। अब ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी अगर इस आदमी के माइंड की, मैं इसलिए बता दिया क्योंकि एज ए डॉक्टर अगर आपकी ट्रेनिंग ये नहीं होगी ना तो आप भी इन सब चीजों में उलझोगे और अनप्रेजुडिस नहीं रह पाओगे, दृष्टि क्लियर नहीं रह पाएगी और आप देख नहीं पाओगे चीजों को, इसलिए क्लियर रहना चाहिए। अभी जो मैंने चीजें बता दी है इसको दोहराना, अपने बार बार इसको दोहराना, बार बार इसको दोहराना, ताकि एक विजडम डेवलप हो, और कभी ऐसी कोई कंडीशन आए। और लड़कियां जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं या जिनके हस्बैंड वाइफ हैं, जेलसी के शिकार होते ही हैं कई बार, याद आ रही होंगी तुमको बहुत सारी चीजें, है ना, ये होता है, है? क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती आमतौर पे, जिनकी होती है वो ब्लेस्ड पीपल है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एक तो हमको उसका डिस्पोजिशन मिल गया फास्टिडियस, दूसरा उसका रूब्रिक आया हमारे पास है रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम जेलेसी। माइंड चैप्टर में निकाले हैं एलिमेंट्स फ्रॉम जेलेसी, अब ये व्यक्तित्व जो है फास्टिडियस, सुन रही हो, अब ये जो व्यक्तित्व जो है फास्टिडियस डिस्पोजिशन जो है इसका, अब एलिमेंट्स जहां से शुरू हुई कहानी जेलेसी से, अब यहां पे आप बोलोगे अभी आपने डेफिनेशन बताई कोई चीज दूसरों के पास है, या मेरी चीज पोजेशन, कोई दूसरा उससे बात करे, कोई दूसरा उससे मस्ती करे, ये बहुत खतरनाक होता है, ये प्यार मोहब्बत नहीं होती, इससे अपराध होते हैं कई बार, जबकि रिजल्ट से चीजें जानी जाती हैं। असली प्रेम वो जो मुक्त करे, ज्यादा फ्रीडम दे आपको, जो चीज बांधती है आपको, समेटती है आपको, घोट के रख देती है, वो प्रेम नहीं होता, वो लव नहीं होता है, दैट इज अफेक्शन, दैट इज आसक्ति, दैट इज जुड़ाव, अटैचमेंट, एंड दैट इज डेंजरस, वो डिस्ट्रॉय करता है रिलेशनशिप को। हुए होंगे इनके झगड़े, बहुत हुए होंगे, बताया नहीं इतने इतने उससे। तो अब यहां पे जब ये दो चीज अपन फैस्टिडियस और एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी देखते हैं, हमारे पास रेमेडीज आती हैं छे, नक्सोमिका, ऑरम्यूर नेट्रोनेटम, पल्सेटिल्ला, एपिस फॉस्फोरस एंड स्टेफिसक्रिया। ठीक, फिर मैंने पूछा उससे, और आप इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन ये भी था, उसका कहना था
मैं सोशल वर्क करना बहुत पसंद करता हूँ। सोशल वर्क जिसमें लोगों की मदद होती है, जैसे कहीं कंबल बट रहा हो, कहीं किताबें बट रही हो, कहीं इस तरह कोई सोशल वर्क हो रहा हो, कोई बच्चों के वेलफेयर की हो रहा, कुछ भी हो रहा, समाज के अच्छे के लिए कोई चीज़ हो रही है, इसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आगे आगे रहते हैं। मैंने बोला आप ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सारी वजह से करते हैं लोग, बस कई लोग पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए करते हैं, तो वो एक अफेक्टेशन होता है, वो पाखंड होता है, वो ढोंग होता है। लेकिन इनका ये जेन्युइन आदमी ये कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, पिछले 7-8 साल से मैं कर रहा हूं बड़ा एक्टिवली, ये मुझे बहुत सुकून देता है, ये मुझे अच्छा लगता है। जब मैं लोगों की मदद करता हूं, जब लोगों की हेल्प करता हूं, जब सोसाइटी के लिए ऐसा कोई काम करता हूं, तो ऐसे लोग जिनका ये एटीट्यूड रहता है कि दूसरों को खुश करके, दूसरों को फायदा पहुंचा के अच्छा लगे, सुकून मिले, और वैसा उनकी बार बार करने की अगर प्रवृत्ति, बार बार करने की टेंडेंसी हो, तो ऐसे लोग को कहते हैं हम परोपकारी स्वभाव के। और परोपकारी स्वभाव का मतलब होता है, रूब्रिक है, एक डिस्पोजिशन है अपने पास, बिनेवलेंस। नाउ रिपर्टरी हमको लेके आ गई दो रेमेडी पे, नक्स ओमेगा एंड फॉस्फोरस। ठीक, और लेकिन जो उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम थी और जैसा उसका एग्रेसिव व्यक्तित्व था, यहाँ रिपर्टरी यही काम करती है, आपको 2-4 रेमेडी पे ला देती है। अब आपका रेमेडी का नॉलेज काम करेगा यहाँ पे कि इसमें से कौन सी रेमेडी रहेगी। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कि जिसको ज्यादा नंबर मिल गया वो उठा के आपने दे दिए। आखिरी डिसीजन जो होता है वो मटेरियलिटी का और उसके नॉलेज से होता है। सो बाकी और चीजों की वजह से, जो उसकी नींद जागे जैसी, लाइट स्लीप और ये सब चीजें जो थी, बाकी उसको प्रिस्क्राइब की गई नक्स ओमेगा 50 mg। क्यों दी 50 mg? रोज एक्सरसाइज करता है, 5-5 किलोमीटर तक वॉकिंग करता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी नहीं है कि छोटी छोटी चीजें वो हो जाए उसको, ठीक है ना। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है उसका, इंटेलिजेंट है बहुत, पढ़ा लिखा है बहुत। तो आमतौर पर तो डॉक्टर केंट का नियम क्या है कि ऐसे केसेस में 10 mg से शुरुआत करते हैं, लेकिन मुझे, मैंने 50 mg दी उसको, ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद उसको देने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 महीने में वो आया था, 2 फरवरी 2021, 2 फरवरी 2021 में वो आया था, फरवरी से मार्च 1 महीना और मार्च से अप्रैल 2 महीना, बस सब सही हो गया, अच्छी गहरी नींद आने लगी, समस्या सॉल्व हो गई उसकी। ठीक, सो और ये यही हमारी होम्योपैथी की खूबी है अगर आपकी ट्रेनिंग हो तो, क्योंकि कॉजेशंस ज़्यादातर ऐसी जगह पे आपकी ज़िंदगी में ही मिलते हैं। चीज़ें कैसी शुरू हुई, भाई अन्याय हो गया था, प्रॉपर्टी विवाद हुआ, प्रॉपर्टी जो बांटी पिताजी ने उसको ज़्यादा दे दी, हमको कम दे दी, हमारे साथ अन्याय हुआ, ये हो सकता है ना। सास ने झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, उसके बाद से बीमार है, एलिमेंट्स फ्रॉम बींग रिप्रोच्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ मनी, एलिमेंट्स से भरा पड़ा है। और डॉक्टर हैनीमैन ने क्या कहा है अपने 5th aphorism में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन एक्यूट केस एज वेल एज इन होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज आर मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज।
ठीक। और ये बार बार चीजें इस तरीके से केसेस से साबित होती है कि जो नियम डॉक्टर हैनीमैन ने ढूंढा और अपने ऑर्गन में बताया ये 100% सही है। ठीक।